सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्क्रीन रेजर पे। और आज के इस काउंटडाउन में हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 इंडियन रियल लाइफ स्टोरी डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के, और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 5 IMDb रेटेड इंडियन रियल लाइफ स्टोरी डॉक्यूमेंट्रीज शामिल है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मिनट के करीब और इस डॉक्यूमेंट्री की IMDb रेटिंग है 6 out of 10। नंबर 4 पे है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में दिखाया जाता है एक योगा इंस्ट्रक्टर के बारे में जो कि 1970s के दौरान वर्ल्ड फेमस हो चुका होता है, बेसिकली अमेरिका कैलिफोर्निया में, जहाँ पे वो दिखाता है अपना हॉट योगा 26 पोस्टर्स, जिसे करने के बाद कोई भी क्लाइंट, कोई भी डिजीज हो, सबसे वो मुक्त हो सकता है। और इसी के साथ वो वर्ल्ड फेमस बन जाता है, और धीरे धीरे किस तरह से उसके क्लाइंट्स उसके ऊपर अलग अलग हैरेसमेंट का केस दर्ज कराता है, और जिस वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट्री है विक्रम योगा गुरु प्रेडेटर, और इस मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 12 मिनट के आसपास, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। नंबर 3 पे है एक क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री एंथ्रोलॉजिकल सीरीज जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है बेंगलुरु शहर के ऊपर, जहाँ पर 4 अलग अलग केसेस बेंगलुरु पुलिस को मिलता है, जिसमें शामिल है मर्डर, किडनैपिंग और ऐसे अलग केसेस जिसे सॉल्व करते वक्त पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, और फिर किस तरह से बेंगलुरु पुलिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन सारे केसेस को सॉल्व करता है जो कि काफी चैलेंजिंग होते हैं, यही दिखाया गया है उनका एक्सपीरियंस के बारे में। ये सीरीज है क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव। इस सीरीज के अंदर 4 अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं, और जिसके ड्यूरेशन है 30 मिनट से लेकर 50 मिनट के करीब। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1। नंबर 2 पे है हॉरिफाइंग क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो कि 2018 पे घटना के ऊपर आधारित है, और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है दिल्ली के एक बुरारी शहर में, जहाँ पे एक फैमिली के 11 मेंबर एक साथ मास सुसाइड कर लेते हैं, और इसके बाद जब दिल्ली पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है तो ऐसे अलग अलग क्लूज और थ्योरीज मिल रहे होते हैं, जिसे ये बताया जाता है ये सुसाइड है, और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि ये एक रिचुअल कल्ट था और जिस वजह से ये सुसाइड किया गया था। ये सीरीज है हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी डेट्स, जिसके 3 एपिसोड्स है, जिसके ड्यूरेशन है 40 मिनट के आसपास, और इसके IMDb रेटिंग है 7.4। हमारी आज की इस काउंटन के नंबर 1 पे है ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर फोकस किया गया है इंडिया के कुछ ऐसे बिलियनर्स जिन्होंने इंडियन बैंक से हजारों करोड़ रुपए उधार लेकर या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और इसी के साथ दिखाया गया किस तरह से ये सारे बिलियनर्स अपने लाविश लाइफ को जीते हैं, और उधर बैंकों का इतना सारा कर्ज का बोझ उनके ऊपर बढ़ रहा होता है जिनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से एक चेन नेटवर्क के थ्रू अलग अलग बैंक ऑफिशियल्स को ब्राइब करते हैं ताकि पैसा फॉरेन बैंक से उनके अकाउंट में आ जाए और वो पैसा अपने लिए खर्चते हैं, और ये सब कुछ दिखाया गया इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज है बैड बॉय बिलियनर्स इंडिया, जिसके 3 एपिसोड्स है, जिसके ड्यूरेशन है 40 से 50 मिनट के आसपास, और इस सीरीज के IMDb रेटिंग है 7.9। तो ये रहे टॉप 5 इंडियन रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और इस लिस्ट में से आपका कौन सा फेवरेट है या फिर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द लाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।